हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना। टुडेज वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल क्रेजी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं ये तो आप लोग देख के समझ ही गए होंगे। ये है हमारे घरों में आने वाले कुछ विभिन्न तरह के स्नैक्स पैकेट, और स्नैक्स ख़त्म होने के बाद जाते हैं कचड़े के डब्बे में और जल्दी डिकम्पोज भी नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये मैंने लिया है कुछ गुड़। मैं एक पैकेट के लिए लगभग एक चम्मच, बड़े चम्मच से ले रही हूँ, और इसमें मैंने डाला कुछ पानी और इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से घुल सके पानी में। और चलिए चलते हैं अपने किचन वेस्ट की तरफ। ये है मेरे अलग अलग दिन के अलग अलग तरह के किचन वेस्ट, जो कि जिसमें मेरे कुछ प्लांट्स के लीफ भी शामिल है और कुछ बनाना पील। इसी तरीके से हर तरह के सब्जियों के छिलके मैंने लिए हैं, जो कुछ भी आया। ये देखिए, मैंने कुछ नीम लीफ लिए हैं जो कि मैं अपने ही प्लांट से कट किया था, प्रूनिंग के दौरान ये मुझे मिला तो मैंने ये भी डाल दिया। और ये है मेरे लोटस की कुछ पत्तियाँ, इसे भी मैंने नहीं फेंका, इसे भी मैं इसी में डिकम्पोज करूँगी। और सभी को छोटे छोटे टुकड़े काट लिए। ये मेरे कुछ और किचन वेस्ट, इसमें भुट्टे के छिलके भी हैं फ्रेंड्स। भुट्टे के बीच के हार्डी पार्ट को हटा देना है, वो इसमें डिकम्पोज नहीं होगा तो उसे अलग कर दे रही हूँ। इसमें फ्रेंड्स अंडे के छिलके वगैरह ना डालें। ये कुछ और मेरे ग्रीन लीफ हैं तो मैं इसे भी ऐड कर दे रही हूँ। और ये है मैंगो के छिलके, और इसके सीड को भी अलग कर देना है फ्रेंड्स, वो भी इसमें नहीं डालेंगे। इसमें फ्रेंड्स ऑरेंज के छिलके नहीं डालिए, ऑरेंज के छिलके इसमें नहीं पड़ेंगे। और बाकी हर तरह की सब्जियों के छिलके, साग फल फूल वगैरह के डाल सकते हैं। देखिए, कच्चे केले के छिलके भी मैं डाली हूँ, पके केले के छिलके भी मैं डाली हूँ, तो ये सब पड़ सकता है। आम के छिलके भी डाल सकते हैं। और सिर्फ साइट्रिक होता है ऑरेंज, तो उसे इसमें ना डालें। और बाकी सब कुछ डलेगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुछ मिट्टी। आप इसके जगह कोकोपीट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो, नहीं है तो ये चूँकि बिल्कुल लो कॉस्ट में मैं बना रही हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा खर्च ना हो, इसके लिए मैं इसमें मिट्टी ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गुड़ वाला पानी। ये बेस्ट घरेलू डिकम्पोजर है जो हमारे किचन वेस्ट की को डिकम्पोज होने की प्रक्रिया को फास्ट कर देता है। और इसके लिए आप घटिया क्वालिटी की जो काली गुड़ आती है, जो जानवरों को खिलाने के लिए यूज किया जाता है, वो यूज करेंगे तो और बेस्ट होगा। ये गुड़ का में माइक्रोब्स की संख्या बढ़ाने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। इसके जगह आप चाहें तो खट्टी छाछ ले सकते हैं, बिना क्रीम की दही खट्टी वाली ले सकते हैं पानी ऐड करके। अब मैं प्लास्टिक बैग में पंचिंग पैड से होल बना लेती हूँ। आप के पास अगर पंचिंग पैड नहीं है तो आप इसकी किसी भी चीज़, नुकीली चीज़, कील वगैरह से इसमें होल बना सकते हैं। मकसद सिर्फ इतना ही है कि इसमें एयर सर्कुलेशन हो सके ताकि माइक्रोब्स इसमें पनप सकें, और ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी होगी तो माइक्रोब्स भी इसमें अच्छे से मल्टीप्लाई हो सकेंगे, जिससे हमारा किचन कंपोस्ट अच्छे क्वालिटी का तैयार होगा। और फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि किसी के भी घर से ये पैकेट्स या किचन से निकले हुए छिलके वगैरह, किचन वेस्ट कचरे के डब्बे में न जाए, क्योंकि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना भी हमारी ही जिम्मेवारी है। और मेरा एक मकसद और है कि अपने गार्डन और किचन को कनेक्ट करके रखा जाए, तो चलिए इसका रीयूज करें। तो इसमें अब मैं भर रही हूँ। भरने के बाद देख लीजिए कि इसमें कोई बड़े पीसेज हैं कट कर लीजिए, कोई जैसे मैंगो सीड है तो मैं हटा दे रही हूँ, इसमें से गलती से रह गया था तो मैं इसे हटा दे रही हूँ। तो इसमें कोई भी बड़े टुकड़े हैं तो उन्हें छोटा कर लीजिए अगर रह गया हो तो, और सबको इसमें अच्छे से फिल करना है फ्रेंड्स। दबा दबा के फिल करना पड़ता है ताकि ये प्रोसेस जल्दी हो सके। ये लगभग लगभग 90 दिन लगेगा इसमें डिकम्पोज होने में। अब बहुत लोगों की समस्या होती है, देखिए मैं जिप लगा दे रही हूँ, बहुत लोगों की समस्या होती है फ्रेंड्स कि मेरे पास कंपोस्ट बिन नहीं है, रखने की जगह नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है। थोड़ा देखिए, आलू का टुकड़ा रह गया था, वो भी मैं कट कर दे रही हूँ। तो हाँ, तो अब जगह नहीं है तो क्या करें, लेकिन किचन से
ये छिलके वगैरह तो निकलते ही रहेंगे, तो उनके लिए ये है कि हम लोग का ये ब्लैक गोल्ड भी तैयार हो जाएगा और ये प्लास्टिक के बैग्स भी यूज हो जाएंगे। तो इसे इसे आप एक बार 3 महीने के बाद जब कंपोस्ट तैयार हो जाए तो निकाल सकते हैं और इसमें फिर इसे यूज कर सकते हैं, रीयूज हो सकता है। और इसे सेमी सेट जगह में रखना है फ्रेंड्स। 3 महीने के बाद ये किचन वेस्ट हमारे बन जाएंगे प्लांट्स के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र, ब्लैक गोल्ड। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से एक एक दो दो दिन के किचन वेस्ट को इन पैकेट्स में भरती गई और इसी तरीके से भर के रख दिया। 3 महीने के बाद मैं इसकी अपडेट दूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको काम की लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।